जय श्री राम के नारे के साथ थाने पर भक्तों का प्रदर्शन। बाबा देवकुंड नाथ मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति को पहुंचाया था क्षति। खबर मांडा प्रयागराज की। मांडा से महज 2 किमी पर बाबा देवकुंड नाथ महादेव का मंदिर स्थित है। वहां पर बुधवार रात में हनुमान जी के आंख निकाल तोड़ फोड़ किया मार्ग, जिसको लेकर मांडा थाना में तहरीर दी गई थी, लेकिन किसी भी प्रकार की ठोस कार्यवाही नहीं होने से स्थानीय लोग क्षुब्ध होकर शुक्रवार को मांडा थाना के सामने सड़क पर ही धरने पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, जिससे लगभग बीपी प्रतापपुर मार्ग पर 15 मिनट आवागमन भी बाधित रहा। थाना प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार के मान मनोवल पर लोग माने, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वही लोगों की मांग थी कि दिन में प्रशासन का पहरा होता है, लेकिन रात में यहाँ पर अराजकता तत्वों का जमावड़ा लग जाता है। इसकी शिकायत स्थानीय लोग प्रशासन को करते आ रहे हैं, लेकिन रात में गश्त न होने के कारण लगातार मंदिर में रखे सामान चोरी होते आ रहे हैं। बाबा देवकुंड नाथ धाम सुरक्षित नहीं है। फिलहाल महंत के तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच जारी है। गौरतलब हो कि प्रशासन के उदासीनता से थे लोग नाराज। इस समय मांडा क्षेत्र के मंदिरों पर आए दिन ऐसी घटनाएं घटित हो रही है, जिससे क्षेत्र के लोग अपनी नाराजगी जाहिर करते आ रहे हैं। शुक्रवार को कोसडा कला, कंदवा, कुशलपुर, मांडा खास आदि स्थानों से विहिप कार्यकर्ता सहित स्थानीय लोगों ने जमकर प्रशासन के खिलाफ तांडव किया और लोगों ने तमाम चोरी की घटनाओं को बताते हुए कुशलपुर गांव के शिवालय में भी हुई थी चोरी, मुकदमा दर्ज पर भी चर्चाएं गर्म रही। बता दे कि कुशलपुर गांव के शिवालय में भी 24 जून को घंटा चोरी हुआ था, जिसमें प्रेम मिश्रा के द्वारा तहरीर दी गई थी। ध्यान देने वाली बात ये है कि प्रभारी निरीक्षक मांडा के निर्देश पर 12 दिनों बाद वहां भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसकी जांच आज तक जारी। आइए हम जानते हैं यहाँ पर पूर्व प्रधान भोलानाथ कुशवाहा जी मौजूद हैं। किस तरह का प्रकरण है, क्या मामला है, जिससे इनको रोड पे आज बैठना पड़ा थाने के सामने, इस मामले की लेते हैं जानकारी। जी भैया, मैं भोलानाथ कुशवाहा समाज के सेवा के लिए हर वक्त तैयार हैं और पूर्व में प्रधान थे, वर्तमान में संगठन का भी कार्य करते हैं, समाज का भी कार्य करते हैं और हर वक्त आधी रात बिहानी रात हम 24 घंटे तैयार है समाज की सेवा के लिए जी। और अब सावन का महीना चल रहा है, 2 महीने का ये त्यौहार है और इसमें हर मंदिरों पर राजद तक शराबी गांजा गंजेड़ी की बैठ करके खुराफात करते हैं और इसमें पीड़ित होती है प्रशासन और पब्लिक जी। जाती है तो वहाँ जगह शराबी और गंजेड़ी बैठे रहते हैं और अत्याचार से भरपूर थोड़ी सी लापरवाही है प्रशासन की, नहीं तो ऐसा न होता है क्षेत्र में जी। तो क्या प्रकरण पूरा था या क्या हमला होगा? अब प्रकरण है कि कनवा गांव सुबह है और देवकुंडनाथ की मंदिर है उस पर एक हनुमान जी की मंदिर, विशाल मंदिर है जो कि पूरे क्षेत्र के लोग जाते हैं पूरे सावन में दर्शन करने, वहाँ शंकर जी की मंदिर है, हनुमान जी की मंदिर है और मांडा गांव सुबह में बूढ़े नाथ के मंदिर है, माँ मांडवी देवी के मंदिर है, काली जी की मंदिर है चौराहे पर, सब पर दर्शन करते हैं 2 महीना सावन में और बरमासा दर्शन करने जाते हैं और वहाँ पर न पानी की सुविधा, पानी की सुविधा जो है वो भगवान की माया है कि पाताल खोर के पानी निचरा है जी। और पूरे क्षेत्र के लोग वहाँ जाते हैं, दर्शन करते हैं, अच्छे ढंग से दर्शन करते हैं वहाँ पर जाकर के, आई बैठने का शरण है, मगर आज ये स्थित है कि वहाँ शराबी और गंजेड़ी अड्डा हो गया है बैठने का। अच्छा, और प्रशासन से इसीलिए मैं अवगत कराया हूँ प्रशासन को, पूरी जनता पूरे समाज के साथ लेकर के, कि इस पर प्रशासन नजर रखे और सरकार चाह रही है कि हर मंदिरों की व्यवस्था प्रशासन के जब हाथ में है तो व्यवस्था देखे जी जी। तो अब प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन दिए कि मैं हमको समय दिया जाए, जिन्हें भी खुराफाती अराजक तत्व हैं मंदिरों को बैठते हैं अनावश्यक, उनको हम दंडित करने का काम हम करेंगे, पर हमको समय दिया जाए जी। फिलहाल वहाँ मौजूद कृष्ण मोहन तिवारी, जिला प्रभारी विश्व हिंदू महासंघ प्रयागराज, सत्य प्रकाश प्रदेश उपाध्यक्ष सपा, जिला अध्यक्ष दुर्गा सेठ सपा, विशाल शर्मा, रंग बहादुर, रोहित पांडे, गोलू मिश्रा, मीडिया प्रभारी मांडा सपा आशुतोष श्रीवास्तव, मुकेश, अंकित केशरी आदि तमाम लोगों के साथ उपस्थित रहे। इस मामले को देख के अराजक तत्वों द्वारा लग रहा है कोई छेड़खानी किया होगा। हनुमान चालीसा हर क्षेत्र में हो रहा है इस समय, जैसा कि आप जान रहे हैं जी। कि मंदिर पर बराबर हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है हर मंगलवार को,
कुछ अराजक तत्व केवल गलत कार्य करके हिंदुओं को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक हमारा ये सोच है, मैं विश्व हिंदू महासंघ जिला प्रभारी प्रयागराज की ओर से प्रशासन को मैंने बात किया है, बात हमारी बराबर चल भी रही है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि उचित कार्रवाई होगी, अराजक तत्वों को पकड़ा जाएगा। और मैं प्रशासन से ही एक अवगत कराना चाहता हूं कि आप लोग यहां पर किसी न किसी को ड्यूटी लगवाएं, शाम को कम से कम 9-10 तक 11 बजे तक रहें, तो ये सब कार्य गलत नहीं होगा। जो अराजक तत्व फ्री होकर स्वतंत्र घूम रहे हैं, तो ये कार्य गलत नहीं करेंगे। तो जी एक चीज हो जानते हो, क्या ये पहली दफा हुआ चोरी? इस तरह तमाम बातें हो रही है। और बार घंटे यहाँ बहुत लगे, 10 क्विंटल सब घंटे उठा लिए गए साहब। तो अभी तो कोई कार्रवाई इस तरह नहीं हो पाई थी। अब तो इसके बारे में पुजारी साहब बताएंगे, नहीं हमको चंदा ऐसा है कि यहाँ के प्रधान जी से कह दिया जाए, जो सामान्य व्यक्ति है उनसे बताया जाए कि आज घंटा कट गया, तो कहें कि जाने दो सालों को, चोर को ले जा रहे, ले जाने दो, कोई चढ़ा देगा। ये कौन कहता था? मतलब जैसे कहते थे। अच्छा, प्रशासन को अवगत नहीं कराते थे आप लोग? ऐसे दो चार ठे चढ़े और काट ले जाते थे। अच्छा, और जब एकदम परेशान करने लगे, देखिए उखाड़ दिए, ये तोड़ दिए, ऐसा कर दिए, तब लोग जो यहाँ के, यानी चोरियां कई बार हुई जो कि प्रशासन तक पहुंचा नहीं, अवगत आप लोगों ने कराया नहीं। आज जो चोरी हुई है इसको लेकर प्रशासन को आप लोग अवगत कराए हैं, और तमाम बातें जो पिछले बीते उसको आप लोग भी बता रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप मकोई लाल जी? हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा सनातन धर्म जो है वो उखाड़ के फेंका जा रहा है, और बताया भी गया कि समय सबका बदलता है, समय की आन न बदले, भविष्य लिखने वाले का कभी अनुमान न बदले, छुरी चल जाए गर्दन पर मगर ईमान न बदले, और धर्म पर चलने वाले का कभी भगवान न बदले। हमारे प्रभु को, वो भी हनुमान जी को, इस कलयुग के मानिए तो वही मेन देवता है जी। धन्यवाद। मैं आज सर मकोई लाल दीवाना रामायणी और पवित्र राधे सरकार का 10 प्रकार का मैं चंदन लगाता हूँ, और बिना भोजन अन्न का ही ब्राह्मण रहता है। बहुत अच्छा। सरकार से यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी। ये खबर हम लोग को सूचना सुबह सुबह मिली, इसको देखते हुए बहुत ही निंदनीय घटना है जी। एक तरीके से पूरे सनातन धर्म को के साथ खिलवाड़ करने का काम किया गया। सबसे पहले आपको बता दूं, हम लोग यहाँ राजनीति करने आए हैं, सबसे पहले हम हिंदू हैं, उसके बाद राजनीति है जी। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या चाहते हैं प्रशासन से आप? आपके चैनल के माध्यम से मैं शासन प्रशासन दोनों से कहना चाहता हूँ, ये बहुत निंदनीय घटना है, इसको जल्द से जल्द बंद करें जी। ये आपका आग्रह है? धन्यवाद। जिस साहब ने अपनी स्पष्ट बात को रखा। निंदा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ मौजूद हैं, क्या कार्रवाई की जा रही है? आप हमारे बड़े भाई केएम त्रिपाठी जी हैं। अच्छा, केएम त्रिपाठी जी जो जिला प्रभारी हैं जी, और हम समाजवादी पार्टी और जो रमण सिंह यूथ ब्रिगेड से जिला अध्यक्ष मिस्टर दुर्गा प्रसाद सेठ नाम है मेरा जी, मांडा का रहने वाला हूँ। धर्म के तमाम लोग जिनको भी जानकारियां जब मिली वो मौके पे आए, और घटना को देख के हमारी प्रशासन जो भी उचित FIR की है कॉपी को भी हमने भी देखा। यहाँ के पुजारी से भी हमारी बात हुई है, और उनको हमने ये सांत्वना दिया है कि आप जो है यहाँ जो भी अराजक तत्व हैं उनकी जानकारी आप प्रशासन को दीजिए। मांडा थाने के कोतवाल इतने एक्टिव और सही पोजीशन के हैं कि वो तत्कालीन प्रभाव से यहाँ की जो समस्याएं उसको समाप्त। क्या नाम उनका? अरविंद गौतम। अभी आप जो साहब आए उनका वो कौन है? SN सिंह। अच्छा, अभी अभी भाई साहब से मुलाकात हुई है। अच्छा, हमने भी इनसे ये आग्रह किया कि थोड़ा एक दो बार जो है प्रशासन यहाँ का रात में दौड़ा करे, और जिससे ये दिक्कत परेशानियाँ जो हो रही हैं उन लोग। इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले। धन्यवाद।